का परतन जो सामने आया है, जयसिंह अग्रवाल ने पीएल पुनिया पर तंज कसा है। बता दें कि जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि मैं नहीं मानता पुनिया का सर्वे रिपोर्ट, कहीं नहीं विधायकों का पुअर परफॉर्मेंस मैंने देखा है, पुनिया ने किससे कराया सर्वे ये हमें नहीं पता, मेरे संदर्भ में होगा तो मुझे उनके रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। पुनिया जी की रिपोर्ट में क्या है मुझे इसकी जानकारी नहीं है और मैं उन रिपोर्टों से सहमत भी नहीं हूँ। इस प्रकार का अगर परफॉर्मेंस की बात कोई आ रही है तो उस रिपोर्ट का मैं मतलब उस रिपोर्ट को मैं उसको मान्य नहीं करता अपनी तरफ से। चलिए इस खबर पर संवाददाता उमेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। उमेश, जिस तरह से प्रदेश प्रभारी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं, खुद जयसिंह अग्रवाल कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता कि किसी विधायक ने पुअर रिपोर्ट पुअर परफॉर्मेंस की है और जो ये रिपोर्ट है मैं इसको भी सही नहीं मानता, मुझे इस सर्वे रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब आपको क्या लगता है, इस पूरे पक्ष पर बीजेपी हमलावर होगी, विपक्ष माफ कीजिएगा सरकार पर? देखिए शुभांगी, विपक्ष को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अपने ही पार्टी के नेताओं पर अगर इस तरीके से बयानबाजी की जाएगी तो आगामी एक वर्ष बाद 2023 का विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का ये बड़ा बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में ना खड़ा कर दे। उनके जो जिस तरीके से 2023 के चुनाव से पहले पीएल पुनिया जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी हैं उन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट सर्वे कराया था और सर्वे में ये कहा था कि अधिकतर जो विधायक हैं उनके परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, लिहाजा वो अपने परफॉर्मेंस को सुधारे और बेहतर ढंग से काम करे ताकि आगामी 2023 के चुनाव को जीता जा सके। लिहाजा आज जब जयसिंह अग्रवाल छत्तीसगढ़ भवन यहां पर पहुंचे तो उनसे जब हमारी मीडिया से बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसे सर्वे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अगर पीएल पुनिया ने कोई सर्वे कराया तो उस सर्वे को मैं नहीं मानता, अगर वो सर्वे मेरे लिए है तो वो तो कदापि नहीं मानूंगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर अपने ही पार्टी के नेताओं के लिए अगर इस तरीके से तंज कसी जाएगी तो कहीं ना कहीं आगामी 2023 का चुनाव जो होगा वो मुश्किल पड़ सकता है। अभी से विरोधाभास दोनों नेताओं पे देखा जा रहा है और इसका कहीं ना कहीं फायदा जो है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। तो निश्चित रूप से एक बड़ा बयान कहा जा सकता है, कांग्रेस पार्टी में एक भूचाल लाने वाली ये बयान है जिसको लेकर अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसे कैसे कैश करती है। बिल्कुल सही कहा उमेश आपने, बैठे बिठाए एक मौका मिल जाएगा बीजेपी को भी इस पूरे बयान पर। और हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। आदित्य जी, एक प्रदेश प्रभारी की रिपोर्ट पर सवाल उठाया गया है और खुद ही उन्हीं के पार्टी के विधायक ने उठाया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगर ये रिपोर्ट मेरे खिलाफ है तो मैं तो नहीं मानता। देखिए छत्तीसगढ़ की राजनीति में पूरब और पश्चिम, सरकार अगर पूरब जाती है तो जयसिंह अग्रवाल पश्चिम जाते हैं, सरकार अगर उत्तर चलती है तो जयसिंह अग्रवाल दक्षिण चलते हैं। ये आज से नहीं, आपको याद होगा शुभांगी जी, उनके जिले की कलेक्टर के ऊपर भी बड़े गंभीर आरोप जयसिंह अग्रवाल ने लगाए थे जबकि खुद वो कैबिनेट मंत्री हैं, राजस्व मंत्री हैं, विधायक हैं कोरबा से। ऐसे में अब चूंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पिछली बार 2018 में जब 67 सीटों के साथ जीती थी उसके बाद उपचुनाव के बाद 71 सीट कांग्रेस के पास है, लेकिन जो पहली बार जो विधायक जीते हैं उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जो इंटरनल सर्वे कांग्रेस पार्टी का, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है जो नए जीत कर आए हैं उन विधायकों के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट की बात सामने आ रही है कि नुकसान हो सकता है। लेकिन जयसिंह अग्रवाल बहुत साफ कह रहे हैं कि मुझे उस रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं और मैं उस रिपोर्ट को नहीं मानता। देखिए कांग्रेस पार्टी वो सर्वे करा रही, कोई बाहर का आदमी नहीं करा रहा। कांग्रेस पार्टी का सर्वे अगर वो नहीं मानेंगे, प्रदेश प्रभारी का सर्वे वो नहीं मानेंगे, सरकार का सर्वे वो नहीं मानेंगे, तो किसका सर्वे मानेंगे? क्या वो मान के चल रहे हैं कि जो जयसिंह अग्रवाल बोल रहे हैं वही सच है बाकी सब गलत है? देखिए सर्वे अगर आया है तो उसको सोचना चाहिए, अगर कुछ निगेटिव इम्पैक्ट है तो एक साल है आपके पास उसको सुधार करने के लिए, लेकिन आप ये मान के ही चले कि कहीं कोई गलती नहीं है, कहीं कुछ गलत हो ही नहीं रहा है, ऐसे में बहुत मुश्किल जयसिंह अग्रवाल को भी हो सकती है और कांग्रेस पार्टी को भी हो सकती है। फिलहाल इस बयान के बाद क्या रिएक्शन आता है प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ तलवारें खिंचती हुई नजर आ रही है आपस में, ये बात तो बिल्कुल उनके बयान से नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा आदित्य जी आपने, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है एक तरह से ये कहा जाए कि उन्होंने पीएल पुनिया को पूरा नाम लेते हुए भी नहीं कहा, सीधे पुनिया उन्होंने संबोधित किया है और कहा है कि मैं नहीं मानता ऐसी किसी रिपोर्ट को। जिस तरह से लगातार वो अपने बयानों के लिए पहले भी सुर्खियों में रहे हैं, देखना होगा कि अब प्रदेश प्रभारी इस पर क्या रिएक्शन देते हैं, क्योंकि एक बड़ी बात खुद उनके ही पार्टी के नेता ने कही है। पुनिया जी की रिपोर्ट में क्या है मुझे इसकी जानकारी नहीं है और मैं उन रिपोर्टों से सहमत भी नहीं हूँ। इस प्रकार का अगर परफॉर्मेंस की बात कोई आ रही है तो उस रिपोर्ट का मैं मतलब उस रिपोर्ट को मैं उसको मान्य नहीं करता। मैं बताया ना कि परफॉर्मेंस कैसे बताया गया, क्या बताया गया, रिपोर्ट मेरे पास दूसरों की नहीं है।
लेकिन अगर हम हमारे बारे में कोई बात करेगा तो हमको उस रिपोर्ट की आवश्यकता भी नहीं है और ना हम उस रिपोर्ट को मानते। पूनिया जी की रिपोर्ट में क्या है मुझे इसकी जानकारी नहीं है और मैं उन रिपोर्टों से सहमत भी नहीं हूँ। इस प्रकार का अगर परफॉर्मेंस की बात कोई आ रही है तो उस रिपोर्ट का मैं मतलब उस रिपोर्ट को मैं उसको मान्य नहीं करता। अब मैं बताया ना कि परफॉर्मेंस कैसे बताया गया, क्या बताया गया, रिपोर्ट मेरे पास दूसरों की नहीं है। लेकिन अगर हम हमारे बारे में कोई बात करेगा तो हमको उस रिपोर्ट की आवश्यकता भी नहीं है और ना हम उस रिपोर्ट को मानते। तो अब देखना होगा कि जयसिंह अग्रवाल के इस बयान पर किस तरह से छत्तीसगढ़ में सियासत बढ़ेगी।